अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉट एंड टेस्टी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और शानदार आलू गोश्त का शोरबे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनता है ये आलू गोश्त। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है मटन लिया हुआ है, बोन के साथ है ये मटन और चर्बी वाला भी है। तो हम सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे एक डेगची में, हाफ कप। तो बहुत से लोग जो है ये आलू गोश ट्रेडिशनल डिश होती है, बहुत पसंद करते हैं अपने घर में। बहुत से लोगों को नहीं पसंद आता, तो ज़्यादातर लोग लेकिन इसे लाइक ही करते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें ऑनियन डाल रहे हैं, 3 स्लाइस लार्ज साइज़ के मैंने ऑनियन लिए हुए थे, ताकि शोरबा जो है हमारा बहुत अच्छा सा बने। और इसको हम सॉटे कर लेंगे। ये हमारा सॉटे हो रहा है प्याज। और अब हम इसमें जो है, जैसे ये सॉटे होगा तो इसमें हम ऐड कर देते हैं लहसुन के जब्बे लिए हुए मैंने 4 to 5, उसको चॉप्ड किया हुआ है। और साथ ही मैं जिंजर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जूलियन कटिंग में। आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम सॉटे कर रहे हैं, फ्लेम रखा हुआ है मैंने मीडियम टू लो। और जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन कलर में होगी तो फिर हम इसको प्याज को ब्लेंड करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। देख सकते हैं आप, ये गोल्डन कलर में हो गई है, तो इससे जो है हमारी स्मूथ ग्रेवी तैयार होगी आलू गोश्त की। अब इसी ऑयल में मैं, इसी देगची में ये पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको हम 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। अब इसमें जो है मैं साबित गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। मैंने लिया हुआ है दालचीनी स्टिक ली हुए 3, लौंगे ली हुए 4 से 5, साबुत काली मिर्चें ली हुए 10 से 12, हरी इलायची ली हुए 3 से 4 और काली इलायची ली हुए 3 से 4। इसको भी हम 4 to 5 मिनट्स के लिए सॉटे करेंगे। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून, ताकि हमारे स्पाइसेस जो हैं जले नहीं। इसलिए अगर आप बग़ैर पानी के ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे बर्न होने के चांसेस होते हैं मसालों के। अब हम इसमें सीजनिंग ऐड कर रहे हैं। हल्दी पाउडर जाएगा 2 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून, रेड चिल्ली पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। नमक जाएगा हसबे ज़ायका। और इसको हम कुक करेंगे हाई फ्लेम पे मसाले को 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारे अच्छे से भुन जाए मसाले। और अब जो है इस पॉइंट में मैं ऐड करूँगी मटन 750 ग्राम। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको आलू गोश्त जो है चिकन के साथ अच्छा लगता है या मटन के साथ। तो यहाँ पे हमने 750 ग्राम हड्डी वाला गोश्त लिया हुआ है। ताकि अच्छे से मसाला जो है इसके बोटियों में जाए, अब हम इसको हाई फ्लेम पे 10 to 15 मिनट्स के लिए हम भूनेंगे। इससे जो है गोश्त का पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। तेज़ आंच करके आप 10 से 15 मिनट भूनें। अब मैं जो है इस पॉइंट पे ऐड करूँगी पानी 2 कप्स, ताकि जो है हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। और इसे हम कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे।
वैसे तो मटन बकरे के गोश्त जल्दी गल जाता है, इतना टाइम टेकन नहीं होता। अब हम इसे लिड लगा देते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। ये हमारा गोश्त अच्छे से गल रहा है, तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको किसके साथ अच्छा लगता है टेस्ट। ये हमारा गोश्त जो है अच्छे से गल चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है और बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर। तो अब जो है हम दही ऐड करेंगे 1 कप। और इसको अच्छे से हमें भूनना है, तेज़ आंच कर लें बेशक आप। टेन टू 12 मिनट्स के लिए इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे हम। देख सकते हैं आप, मैं कंटिन्यूसली इसमें जो है चम्मच चला रही हूँ ताकि जो है हमारा अच्छे से गोश्त भून सकें हम। और यहाँ पे अब बबल्स आ रहे हैं, इस पॉइंट पे हम ऐड कर लेंगे अब पोटैटोस। 2 to 3 लिए हुए हैं मैंने और इसे क्यूब्स में मैंने कट किया हुआ है। अब जो है हम इसे थोड़ी सी देर भून के मीडियम टू लो फ्लेम पे रख रहे हैं ताकि हमारे आलू गल जाएं। देख सकते हैं हम कि हमारे आलू गल गए हैं। और जो है हम अब इसमें ऐड करते हैं अपना इंग्रेडिएंट, ग्रीन चिलीज 4 to 5। देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा शोरबा तैयार हो गया ये आलू गोश का। 4 से 5 और 2 मैंने तेज़ पत्ते लिए हुए हैं। इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करते हैं। और इस पॉइंट पे आप पानी जितना रखना चाहें, जितना आपको ग्रेवी पसंद है, पतला शोरबा पसंद है या गाढ़ा, तो आप इसमें जो है पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं 1 कप डाल रही हूँ, मुझे ये सही लग रहा है, गाढ़ा शोरबा अच्छा लगता है मुझे, तो हम गाढ़ा रख रहे हैं। आपकी मर्ज़ी, आप पतला रखना चाहें तो आप 1 कप पानी और ऐड कर सकते हैं। इसको जो है मैं सिमर करने रख दूँगी 5 to 6 मिनट्स मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये जो है हमारा सिमर हो रहा है मज़ेदार आलू गोश का शोरबा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़ायकेदार बना है ये। और आप इसे सर्व कर सकते हैं नान के साथ, कुलचों के साथ, तो बहुत ही यकीनन डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हुई है हमारे आलू गोश की और बहुत ही यमी लग रहा है ये आलू गोश का सालन। बहुत ही हमारी ट्रेडिशनल डिश है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी डिश है ये, अगर वो कुकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। आए और इस पे हम फ्रेश कोरिएंडर डाल दें आप। और आई होप कि आज की आपको मेरी आलू गोश की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। और वो में याद रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।